दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको शिव प्रसाद मिश्र रुद्र द्वारा लिखी एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा कहानी को प्रस्तुत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। ये विभिन्न बोर्ड के सिलेबस में भी, पाठ्यक्रम में भी ये कहानी है। जो छात्र इसे सुन रहे होंगे उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए कहानी शुरू करता हूँ। एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट कच्छ बांधे दुलारी दनादन दंड लगाती जा रही थी। उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। कसरत समाप्त करके उसने चार खाने के अंगोछे से अपना बदन पोछा, बंधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया और तत्पश्चात आदमकद आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुज दंडों पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगोए हुए चने चबाने आरंभ किए। समाप्त ना हो पाया था कि किसी ने बाहर बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुलारी ने जल्दी जल्दी कच खोलकर बाकायदा धोती पहनी, केश समेटकर करीने से बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। बगल में बंडल सी कोई चीज दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। उसकी दृष्टि शर्मीली थी और उसके पतले होंठों पर जेब भरी फीकी मुस्कुराहट थी। विलोल आंखें, विलोल कहते हैं हम चंचल या अस्थिर, जिसकी आंखें एक जगह टिकती नहीं है। विलोल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना? टुन्नू की मुस्कराहट उसके होठों में ही विलीन हो गई, मतलब गायब हो गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्यौहार था इसलिए मैंने सोचा। कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथ में दे दिया। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी, उसमें खद्दर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बिनी है, लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर से पूछा। टुन्नू का शीर्ण वदन और भी सूख गया। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया ना कि होली का त्यौहार था। टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्यौहार था तो तुम यहाँ क्यों आए? जलने के लिए क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए? तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो, कौन हो? खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। और उसने उपेक्षापूर्वक धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। उसने सिर झुकाए हुए आर्द्र कंठ से बोला, मैं तुमसे कुछ मांगता तो नहीं हूँ? देखो, पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती। तुम तो हाड़ मास की बनी हो। हाड़ मास की बनी हूँ तभी तो, दुलारी ने कहा। टुन्नू ने जवाब दिया। उसकी आंखों से कज्जल मलिन आंसुओं की बूंदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी। दुलारी कहती गई। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। बाहर निकल वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भाव अब भी वक्र थी, परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई, उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा और उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बे को वह बार बार चूमने लगी। दुलारी के जीवन में टुन्नू का प्रवेश हुए अभी कुल 6 मास हुए थे। पिछले भादों में तीज के अवसर पर दुलारी खोजवा बाजार में गाने गई थी। दुक्कड़ कहते हैं सहनाई के साथ बजाए जाने वाला एक तबला जैसा बाजा होता है, तो उसको कहते हैं। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी की महती ख्याति थी। उसे पद में ही
सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता प्राप्त थी। कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात, कजली एक मतलब गाने का फॉर्म है जो भादों की तीज में गाया जाता है, एक तरह से ये लोकगीत है। तो कजली गाने वाले बड़े बड़े विख्यात शायरों की उसे कोर दबती थी, इसका मतलब हुआ कोर दबती थी मतलब लिहाज करते थे उसका, जो बड़े बड़े शायर थे वो बहुत माहिर थी कजली गाने में, इसलिए उसके मुंह पर गाने में सभी घबराते थे। उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा कर खोजवा वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी, परंतु जब साधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी। 16-17 वर्ष का एक लड़का गौनहारियों कहते हैं जो गाने वाले जो कबीले होते हैं ना, उसको जो एक तरह की जाति होती है, प्रजाति होती है, उनको कहते हैं गाने वाले होते हैं ये लोग। तो गौनहारियों की गोल में सबसे आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा, रनिया, गाना यहाँ से है, रनिया ला परमेश्वरी लोट प्रा मसरी नोट। इसका मतलब परमेश्वरी लोट का मतलब हुआ प्रा मिश्री नोट। तब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास ना रह गया। बालक टुन्नू बड़े जोर से गा रहा था, रनिया ला परमेश्वरी लोट दड़ गोड़े से खेवर बुंदिया दे माथे मोती का बिंदिया और किनारे में सारी के टाक सुनाहली गोट रनिया। सहनाई वालों ने टुन्नू के गीत को बंद बाजे में दोहराया। लोग यह देखकर चकित थे कि बात बात में तीर कमान हो जाने वाली दुलारी अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी। टुन्नू के इस सार्वजनिक अविभार का यह तीसरा या चौथा अवसर था। उसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे महल के 10-5 घर यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक कराकर कठिनाई से गृहस्थी की नौका खे रहे थे, परंतु पुत्र के अवारों की संगीत में शायरी का चस्का लगा। उसने भैरो हेला को अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही सुंदर कजली रचना करने लगा। वह पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था और अपनी इसी विशेषता के बल पर वह बजरडीहा वालों की ओर से बुलाया गया था। उसकी शायरी पर बजरडीहा वालों ने वाह वाह का शोर मचाकर सिर आकाश पर उठा लिया। खोजवा वालों का रंग उतर गया, टुन्नू का गीत भी समाप्त हो गया। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी। सहनाई का मधुर स्वर गूंजा, अब दुलारी की बारी आई। उसने अपनी दृष्टि मद विहल बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को भर आंख देखा और उसके कंठ से छल छल करता स्वर का सोता फूट निकला। कोढ़ियल मुँह वै लेब वकोट तोर बापता घाट अगोरलन कौड़ी कौड़ी जोर बटोरलन तय सर बौला बोल जिंदगी में कौड़ी कौड़ी जोर बटोरलन तय सर बौला बोल जिंदगी में कब देख ले लोट कोड़ियल। अब बजर डीहा वालों के चेहरे हरे हो चले, वे वाहवाही देते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रही थी और उसके कंठ से छल छल करता स्वर का सोता फूट निकला। कोड़ियल मुहवेम लेब वकोट तोर बापता घाट अगोरलन कौड़ी कौड़ी जोर बटोरलन तय सर बौला बोल जिंदगी में कब देख ले लोट कोड़ियल। अब ब्रजडीहा वालों के चेहरे हरे हो चले, वे वाहवाही देते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रही थी, तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है, बगुले के पर जैसा ही तेरे शरीर का अंग है, वैसे तू बगुला भगत भी है, उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है, परंतु कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और उसी दिन तेरी कलाई खुल जाएगी। इसके जवाब में टुन्नू ने गाया था,
जितना मन मने गरियाओ, ऐने दिलक तपन बुझाओ, अपने मनक बिथा सुनाई हम डंके के चोट रनिया। इस पर सुंदर के मालिक फेकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े। दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। यही दोनों का प्रथम परिचय था। उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया। मजलिस बदमजा हो गई। टुन्नू को विदा करने के बाद दुलारी प्राकृतिष्ठ हुई तो सहसा उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। अबरावा की जगह खद्दर का कुर्ता और लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी देखकर दुलारी ने टुन्नू से उसका कारण पूछना चाहा था, परंतु उसका अवसर ही नहीं आया। उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला और उसमें बड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबाकर रख दी। उसका चित आज चंचल हो उठा था। अपने प्रति टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसे पहले ही मुलाकात में कर लिया था, परंतु उसने उसे भावना की एक लहर मात्र माना था। बीच में भी टुन्नू उसके पास कई बार आया, परंतु कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। कारण, टुन्नू आता घंटे आधे घंटे दुलारी के सामने बैठा रहता, पूछने पर भी हृदय की कामना प्रकट ना करता, केवल अत्यंत मनोयोगी से दुलारी की बातें सुनता और फिर धीरे से छाया की तरह खिसक जाता। यवन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी टुन्नू के इस उन्माद पर मन ही मन हंसती, परंतु आज उसे कृशकाय और कच्ची उम्र की पांडुमुख बालक टुन्नू पर करुणा हो आई। अब दुलारी को यह समझने में देर ना लगी, उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। वह जिस वस्तु पर आसक्त है उसका संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। उसने आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसने टुन्नू के प्रति जितनी उपेक्षा दिखाई है वह सब कृत्रिम थी। सच तो यह है, हृदय के एक निभृत कोने में टुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है। फिर भी यह वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी, विचार के उलझन से बचने लगी। उसने चूल्हा जलाया और रसोई की व्यस्तता में जुट पड़ी। त्यों ही धोतियों का एक बंडल लिए फेकू सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया। दुलारी ने धोतियों का बंडल देख उधर से दृष्टि फेर ली। फेकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा, देखो तो कैसी बढ़िया धोतियां हैं। बंडल पर ठोकर जमाते हुए दुलारी ने कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था। वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा, आजकल रोजगार बड़ा मंदा पड़ गया है, फेकू ने समझाते हुए कहा। दुलारी फेकू को उत्तर देना ही चाहती थी कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्र का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की संकरी गली में घुसा और भारत जननी तेरी जय हो गीत की ध्वनि से उभय पार्श्वों में खड़ी इमारतों की प्रत्येक कोठरी गूंज गई। एक बड़ी सी चादर फैलाकर चार व्यक्तियों ने उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। उसी पर खिड़कियों से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि की वर्षा हो रही थी। सहसा दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली और मैनचेस्टर तथा लंकाशायर के मिलों में बनी बारीक सूत की मखमली किनारे वाली कई कोरियां धोतियों का बंडल नीचे फैली चादर पर फेंक दिया। चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंखें एक साथ खिड़की की ओर उठ गई। कारण, अब तक जितने वस्त्रों का संग्रह हुआ था वे अधिकांश फटे पुराने थे, परंतु यह जो नया बंडल गिरा उसकी धोतियों की तह तक ना खुली थी। चारों व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वाले की तलाश खिड़की में करने लगी। त्यों ही खिड़की पुनः धड़ाक से बंद हो गई। जुलूस आगे बढ़ गया। जुलूस में सबसे पीछे जाने वाले खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी यह दृश्य देखा।
अपनी फर्राठी मूछों के हाथ फेरते हुए सजग नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट किया। इतने में ही ऊपर खिड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरंत ही पुनः धड़ाक से बंद भी हो गया। परंतु इसी बीच अली सगीर ने देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था और एक पुरुष ने झटके से उसका हाथ किवाड़ के पल्ले पर से हटा दिया और दूसरे हाथ से पल्ला बंद कर दिया। उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुखबिर फेकू सरदार की उड़ती झलक देख पुलिस रिपोर्टर के रोबीले चेहरे पर मुस्कान की छीन रेखा क्षण भर के लिए खींच गई। उसने तनिक हटकर चबूतरे पर बैठे बेनी तमोली के सामने एक दुअन्नी फेंक दी। फेकू सरदार की चौड़ी पुष्ट पीठ पर सपासप झाड़ू झाड़ती तथा उसके पीछे पीछे धमाधम सीढ़ी उतरती दुलारी चिल्लाई, निकल निकल, अब मेरी देहरी डाका तो दांत से तेरी नाक काट लूंगी। उत्कट क्रोध में दुलारी के नथने फूल गए थे, अधर फड़क रहा था, आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। फेकू के गली में निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होते ही झेपने के बावजूद लाचार सा होकर फेकू उसकी ओर बढ़ा और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटी। आंगन में खड़ी उसकी संगनियां पड़ोसिनों ने उसकी ओर कुतूहल भरी दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उसकी ओर आंख तक ना उठाई। सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोही में दाल चूर रही थी। उसने पैर की एक ठोकर से बटलोही उलट दी, सारी दाल चूल्हे में जा गिरी, आग बुझ गई। परंतु दुलारी के दिल की आग अब भी भट्टी की तरह जल रही थी। पड़ोसिनों ने उसकी कोठरी में आकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचन की जलधारा गिराना प्रारंभ किया, फलस्वरूप वह ठंडी भी होने लगी। दुलारी बोली, तुम ही लोग बताओ, कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा है? यह तो आधी गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता। झिंगुर की माँ ने कहा। वह यह बात बिल्कुल भूल गई थी कि उसने कुल 2 घंटा पहले टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा था। झिंगुर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियाँ होठों में मुस्कुराई, परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। दुलारी पुनः शांत हो चली। इतने में कंधे पर जाल डाले 9 वर्षीय बालक झिंगुर ने आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताजा समाचार सुनाया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ले गए। और कोई दिन होता तो दुलारी इस समाचार पर हंस पड़ती, टुन्नू को 2-4 गालियां सुनाती, परंतु आज यह संवाद सुन वह स्तब्ध हो गई। उसने यह भी ना पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई। कभी किसी बात पर ना पसीजने वाला उसका हृदय कातर हो उठा और सदैव मरुभूमि की तरह धू धू जलने वाली उसकी आंखों में मेघमाला घिर आई। उसने पड़ोसियों की निगाह से अपने आंसुओं को छुपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। करकसा दुलारी के हृदय की यह कोमलता देख दंग हो गई। उसने दुलारी के इस आचरण को बार बनित सुलभ अभिनय मात्र समझा। बिट्टो ने दिल्लगी भी की, मुझे लुका छिपी फूटी आंख नहीं सुहाती, मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया सब डंके की चोट, दुलारी ने कहा। वह उठी और सबके सामने बंदूक खोल उसमें से टुन्नू की दी हुई आंसुओं के काले धब्बे में भरी खद्दर की धोती निकाल उसने पहन ली। उसने झिंगुर को बुलाकर पूछा, टुन्नू कहाँ मारा गया? झिंगुर ने बताया, टाउन हॉल। और जब वह टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर ही थाने के मुंशी के साथ फेकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाना जाना होगा, आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा। रिपोर्ट की कापी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने अपनी सहकर्मी को डांटा, शर्मा जी, आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता, संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात नहीं जान पड़ती है। भयभीत शर्मा जी ने गड्ढे में कौड़ी खेलती हुई अपनी आंखों से चश्मा उठाकर उसे कुर्ते से पोंछते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? प्रधान संवाददाता ने खींच कर कहा,
यह तो आप पन्ने पर पन्ना अलिफ लैला की कहानी से रंग लाए हैं, वह कहाँ छपेगा और कौन छापेगा, इस पर भी आपने कुछ विचार किया है? आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा कोई और भी गवाह है? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूं तो कल की अखबार बंद हो जाए, संपादक जी बड़े घर पहुंचा दिए जाएं। अपने संबंध में वार्ता होती सुनकर संपादक जी भी सजग हुए। उन्होंने पूछा, क्या बात है? यही शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर झक रहा हूँ। और क्या, प्रधान संवाददाता ने कहा। पढ़िए, संपादक ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए आप ही पढ़कर सुनाइए। वह शीर्षक भी पढ़ दीजिएगा जो आपने संवाद पर लगाया है। क्या शीर्षक है? यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, झेप भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा और फिर धीरे धीरे वह रिपोर्ट पढ़ने लगे। कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। यहाँ तक कि खोमचे वालों ने भी नगर में फेरी नहीं लगाई। सवेरे से ही जुलूस का निकालना जारी हो गया। जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता था, ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। उक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियां दी। गाली देने का प्रतिवाद करने पर जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी। चोट पसली में लगी, वह तिलमिलाकर जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में लाद दिया। लोगों से कहा गया कि अस्पताल को ले जा रहे हैं, परंतु हमारी संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया कि वास्तव में टुन्नू मर गया। रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित किए जाते भी हमारे संवाददाता ने देखा। इस सिलसिला में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू दुलारी नामनी गैनहारिन से भी संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजन समारोह भी है जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। दुलारी को नचाया गवाया गया, उसे भी शायद टुन्नू के मृत्यु का संवाद मिल चुका था। वह बहुत उदास थी और उसने खद्दर की एक साधारण धोती मात्र पहन रखी थी। सुना जाता है कि उसे पुलिस जबरदस्ती ले गई थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं गाना चाहती थी जहां 8 घंटा पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी, परंतु विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुख्यात जमादार अली सगीर ने मौसमी चीज गाने का फरमाइश की। दुलारी ने फीकी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया, यही ठैया झोलनी हैरानी हो रामा, कासों मैं पूछूं। पास ही में कंपनी बाग के फूलों की खुशबू का वायुमंडल आमोदित हो उठा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था जिसे देखकर दुलारी की स्वर लहरी गूंज उठी, यही ठैया झोलनी हैरानी हो रामा, कासों मैं पूछूं। बूट की ठोकर खाकर दोपहर को टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था उसी स्थल पर दृष्टि जमाए हुए दुलारी ने दोहराया, यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, और फिर चारों ओर उद्भ्रांत दृष्टि घुमाते हुए उसने गाया, कासों मैं पूछूं। उसके अधर प्रांत पर स्मित की एक छिन्न रेखा से खींची। उसने गीत का दूसरा चरण गाया, सास से पूछूं ननदिया से पूछूं, देवरा से पूछत लजानी हो रामा, देवरा से पूछत, कहते कहते वह बिजली की तरह एकदम घूमी और जमादार अली सगीर की ओर देख उसने लजाने का अभिनय किया। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छहर उठी, या यूं कहिए कि वे पानी की कुछ बूंदें जो भी वरुणा में टुन्नू की लाश फेंकने से छिटकी और अब दुलारी की आंखों में प्रकट हुई। वैसा रूप पहले कभी ना दिखाई पड़ा था, आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर आविर्भाव में भी नहीं। सत्य है परंतु छप नहीं सकता, संपादक ने कहा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा
और मैं और भी कहानियाँ लेकर आऊँगा आपके सामने। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हर वीडियो में मैं बताता हूँ, मेरे कुछ वीडियो हैं जो किसी न किसी पाठ्यक्रम पर आधारित भी हैं, तो उससे किसी दूसरे छात्र को भी मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे चलकर